हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आपको इस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने फोन के ना गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, गैलरी को ओपन करना है। इसके अंदर से आपको जितने भी फालतू की फोटो वीडियोस आपने रख रखी है ना, वो सारी की सारी आपको डिलीट कर देनी है। जितना भी फालतू का डेटा आपकी फोन की गैलरी में, सारा का सारा आपको डिलीट कर देना है। इससे आपके जो है ना स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, आपको ना अपने मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है, इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे? देखिए, आपको किसी भी ऐप को है ना उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपका ना एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है, इसमें आपको लिखा हुआ मिलता है ऐप इन्फो, या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है। ठीक है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ये दोनों आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। अब इसके बाद आपको एक काम करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन फालतू के ऐप्स को आप अपने फोन से हटा दीजिए, यानी कि अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं फालतू के ऐप्स को हटाने के लिए, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स होते हैं ना, ये मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है, जो आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज को कवर करते हैं। ठीक है ना, तो फालतू के ऐप्स को अगर आप हटा देंगे ना, तो आपके जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है आपके फोन में वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें और भी बताता हूँ। देखिए, आपको है ना अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के अंदर, लगभग सभी ऐप्स में जो है ना बैकअप की सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, उसे आपको बंद कर देना है। सारे ऐप्स में नहीं मिलेगी, लगभग सभी ऐप्स में मिल जाती है बैकअप की सेटिंग। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। इसके अंदर आप देख पाएंगे सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है, तो यहाँ पर आपका एक पेज ओपन होगा। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। ठीक है, ये वाली बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो बैकअप अगर आपका चालू है ना, तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है ना, तो ये बैकअप की सेटिंग आपको बंद कर देनी है, जितने भी ऐप्स के अंदर बैकअप की सेटिंग अगर है तो। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक काम और करना है, देखिए आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर भी आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है, तो ये बैकअप का बटन अगर आपका चालू है, तो इसे बैकअप को यहाँ से बंद कर देना है। दोस्तों ये जो मैं आपको सेकंड बैकअप दिखा रहा हूँ, ये आपके मोबाइल फोन का बैकअप सेटिंग है ये वाला, और जो मैंने आपको पहले समझाया था वो ऐप्स के अंदर की बैकअप सेटिंग होती है। ठीक है, तो इन सबको बंद कर देना, ये चालू रहते हैं ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आती रहती है। ठीक है ना, ये अगर चालू रहते हैं तो ये बंद कर देना। ठीक है, ऐप्स में भी और मोबाइल फोन की सेटिंग में भी। अब दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या करना है। देखिए, अगर आपको जरूरत लगती है तो अपने फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, मोबाइल फोन को रीसेट कैसे करेंगे? देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का। ठीक है, तो आपको इसे फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी काम का डेटा है, सिर्फ काम का डेटा जो आपका जरूरत का है, वो किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना, बाकी डेटा ऐसे फोन में छोड़ देना और रीसेट करने से डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,